सुर के मिजाज लहर गइल बा और लड़ाई के झंडा फहर गइल बाटे। अगला महायोद्धा बिहार रेजिमेंट से लखीसराय बिहार के आलोक कुमार। राम महसोनी कजरा जिला लखीसराय बिहार से आप हैं आलोक कुमार। आपके ई बायला सुर संग्राम के अखाड़ा में जीत हुई शानदार। यूपी नहीं जीते पाई जीती हमार बिहार। यूपी नहीं जीते पाई जीती हमार बिहार। ओढ़नी के रंग पियर जादू चला रहल बा लागे के जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा लागे के जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। ओढ़नी के रंग पियर का यार गजब गाना गौलत भाई। कल्पना जी बहुत 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 बढ़िया। और कुछ दो तीन जगह तो आपने ऐसा लिया कि मतलब हम कायल हो गए आपके। आपके पिताजी भी गायक हैं मैंने ये सुना। हाँ, और गायक है। दादाजी भी गायक हैं। दादाजी भी और आपको मतलब आपके खून में वो संगीत दौड़ रहा है। हाँ, मेरे वो बच्चे सिखाते थे वो। बहुत बढ़िया और कुछ भी बोलना ही नहीं है। परफेक्ट। वाह। गीत में माटी के महक और आवाज में बात जादू। गीत में माटी के महक और आवाज में जादू। तू तो अपन प्रदेश के शान बढ़ा देला बाबू। जा बैठो। ई रहल बिहार के सवाल और बिहार के फौजी के जवाब देवे खातिन स्वागत करी जा हमनी के उत्तर प्रदेश के चाबाज फौजी मिसाइल कह सके जा गाजीपुर के नंदन और चंदन के। आप लोग दो लोग हैं? एक ही लोग हैं हम लोग। एक ही लोग हैं? एक ही लोग कैसे हैं? जुड़वा बनी जाता है एक के रह जी ना। नहीं हमको ये नहीं समझ में आ रहा मतलब आप लोग क्या दोनों साथ गाने आए हैं? दोनों साथ गाएंगे? हाँ, वही तो साथ गा रहे हो। आपके क्या लगा था कि दो को नहीं हम एक ही लोग कहीं लोग तुमने कहा? नहीं बिल्कुल दो अलग अलग लोग लग रहे हैं इसलिए तो समझ नहीं आ रहा कि ये लोग जुड़वा भाई कैसे। जुड़वा भाई हवे? जुड़वा भाई हो चाहे तीन भाई हो एक साथ लेकिन गाने का तो प्रतियोगिता में एक बार एक ही गाएगा एक को ही अवसर मिलेगा। नहीं नहीं जोड़ी बा मनोज जी मुझे लगता है कि हमको और कल्पना दोनों का ये विचार है कि ऐसा कोई निर्णय हम लोग नहीं ले सकते जो कि बाकी पार्टिसिपेंट्स के संग भी ज्यादती हो उनका भी दिल दुखेगा और जाती हो जाएगी ये हमनी की दिल ना दुखता है। आप लोग ठीक है आप दोनों में कोई एक गाइए मेरे हिसाब से एक को आना चाहिए दोनों का सवाल ही नहीं है। देखा जाए आपसे क्वेश्चन पूछलते हैं हमनी के बलिया में भी क्वेश्चन उठोनी जाए कि हमनी के संगी गावल जाए अगर हमने के संगीत ना गावल दे चाहते तो हमने कहें कि यहाँ से लिया उलगत मनी की। आपकी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन हम लोगों को भी इस बारे में बताना चाहिए था यह तो नियम ही बदल गया पूरी तरह से। और ये देखिए मनोज जी हम लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बहुत लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे तो हम लोग पे भी उंगली उठ सकती है हमारी। अच्छा। राय में कल्पना और लोगों को भी हम लोग सुनते हैं आप इस मामले में तो हमें लगता है अभी जी आप हमके थोड़ा समय दी हम तब तक अगला प्रतियोगी को बुलाओ तनी थोड़ा सा आप लोग एकरा पर विचार करें जा हम भी बात कर लेते हैं प्रोडक्शन से काहे कि तो बहुत जाती बाटे बच्चन के साथ। चलो जो तू बैठा जाओ बैठो तू। बहुत दिल से कष्ट है भगवान से कष्ट कर जाए संगे पैदा बन जा तो संगे ना गा सके नहीं जा काहे जो निर्णय हुई तना मन है कि ना पड़ी का करें। देखिए हमरे खातिर 2400 लड़का हमार बच्चा के तरह बाड़ा सर ये बच्चन के चांस मिले के चाहिए ना ही मिली तो फिर हमू सोचब कि हम शो करब कि नहीं।
देखिए एकरा में ना खैर हमें स्थिति की कल्पना नहीं क्लियर नहीं, कोई बात नहीं, हम उत्तर प्रदेश के अगला महायोद्धा के बुला रहल बानी। हमरे उत्तर प्रदेश में प्रयाग संगम इलाहाबाद के धर्मेश दीक्षित के आप जोरदार ताली से स्वागत करी। तिलियरगंज इलाहाबाद से आप हैं धर्मशंकर दीक्षित उर्फ धर्मेश दीक्षित। संगम के तीरे इनके मन में बा अटल इरादा, भरल बाटे विश्वास, यूपी के ईशान बढ़िए देखी धरती आका। पूरा प्रयास बाकी हमारी यूपी एकदम झंडा गाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी, बहुत फ्रेश लगा मुझे, बहुत ही आवाज में बहुत ही दम है, एक सिंप्लिसिटी है आपके सिंगिंग स्टाइल में, बहुत ही इनोसेंस के साथ आपने गाया और क्या बोलूं, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आपकी गायकी में एक सच्चाई है, सादगी है, जो लोकगीत के सबसे बड़ की ताकत है। बहुत बढ़िया, इलाहाबाद के संगम के और त्रिवेणी के और गंगा माई के नाम ऊपर ले जाए, मेहनत और करी। एक बहुत तकलीफ में हम बानी, एकरा में कोनो दूर आए नहीं कि नंदन चंदन के गावे से रोक के ना थोड़ा सा अच्छा निखे भइल, फिर भी आप लोग सम्मानित जज बानी जा, हम फिर से आपसे प्रार्थना करब कि आप लोग सोची जा कि ऐसा नहीं होके के चाहिए। और मनोज जी एक बात हम बता दें, हम लोग किसी भी कलाकार के हम लोग खिलाफ नहीं हैं, और ये गाने का शो है, गायकों का सम्मान तो हम सबसे पहले करेंगे।